भारत के एक सुदूर गांव के मध्य में घने प्राचीन जंगलों के बीच डरावनी पुरानी हवेली खड़ी थी, जो एक काले इतिहास वाली खस्ताहाल हवेली थी। ग्रामीणों ने दबी जुबान में इसके बारे में बात की और अपने बच्चों को चेतावनी दी कि वे सूर्यास्त के बाद इसके पास कभी न जाएं। किंवदंती है कि यह हवेली कभी शक्तिशाली हवेली परिवार का भव्य निवास स्थान थी, परंतु उन पर एक द्वेषपूर्ण श्राप आ पड़ा और उनका धन मिट्टी में मिल गया। वे एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और हवेली को वर्षों तक सड़ने और ढहने के लिए छोड़ दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम तीन साहसी दोस्तों रवि, प्रिया और संजय ने पुरानी हवेली की भयावह गहराई का पता लगाने का फैसला किया। टॉर्च की रोशनी से लैस होकर वे हवेली के अशुभ द्वारों में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा ठंडी और दमनकारी हो गई। जैसे जैसे वे अंधेरे में गहराई तक जाने लगे, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट भर गई और दीवारें हिलने और कराहने लगी। अचानक एक ठंडी आवाज हॉल में गूंज उठी, मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण करने की हिम्मत कौन कर रहा है? भयभीत होकर वे अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो गए। उनके हाथों में टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अंधेरे से एक छायादार आकृति उभरी, खोखली आँखों और लहराते बालों वाली एक आकर्षक महिला। वह पुरानी हवेली की शापित संरक्षक थी, परवानी हवेली की प्रतिशोधी आत्मा थी। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए, जिससे वे अंदर फंस गए। भूतिया आकृति तैरती हुई करीब आ गई, उसकी हड्डी वाली उंगलियां उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ी। रवि, प्रिया और संजय आतंक से चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा पर बर्फीली पकड़ महसूस हुई। घंटों बाद जब ग्रामीण तीनों दोस्तों का पता नहीं लगा सके, तो वे हवेली के द्वार पर एकत्र हुए। रात के भयानक सन्नाटे में उन्होंने भीतर से मदद के लिए हल्की हल्की चीखें सुनी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शापित हवेली ने उस रात तीन और आत्माओं को लील लिया था। पुरानी हवेली अतीत की याद दिलाती है, एक ऐसी जगह जहां बेचैन आत्माएं घूमती थीं और जहां जीवित लोग कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। यह उन लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी थी, जो इसकी खस्ताहाल दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करना चाहते थे, और इसलिए पुरानी हवेली की किंवदंती उन लोगों की रीढ़ को झकझोर कर रख देती है, जिन्होंने इसकी अशुभ कहानी सुनी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी इसके परित्यक्त हॉल के भीतर छिपी भयावहता को कभी नहीं भूलेगा।